हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जामटेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 700 सीरीज का पार्ट 5। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पार्ट है 5। इसके पहले हम लोग 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री 700 सीरीज की प्लेलिस्ट में जा करके बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस हिसाब से आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। तो किसने किया है? अरविंदो घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक, अरविंद घोष क्या थे? गरम दल के नेता थे। लाल, बाल, पाल और घोष क्या थे? गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जतिन दास बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। किसमें बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। और जतिन दास ने सबसे लंबी भूख हड़ताल रखा था, 64 दिन का। ठीक, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? भूख हड़ताल से हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो जतिन दास की। था क्या आखिर लाहौर षड्यंत्र? अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये लाहौर षड्यंत्र क्या था? तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, तो जब यह पार्टी बनी 1928 में, पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे अगर, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका पहला काम था पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना। ठीक, तो 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ? इस समय क्या हुआ था? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुआ? लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया। और 17 दिसंबर 1928 को, याद रखिएगा डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दिया था। यही था लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा। इसके अलावा क्या हुआ था? लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ठीक, जो बम फेंका गया था असेंबली में, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक, जिस बम, जिसके पर्चे में क्या लिखा था? बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। तो यही सब मामला चल रहा था। अब जरूरी नहीं है कि जाके बम फेंके जतिन दास तभी इनको गिरफ्तार हो जाए। जब क्रांतिकारी जो भी होता है या ग्रुप में होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था जतिन दास को, और इन्होंने 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी केस के अभियुक्तों के, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो गोविंद बल्लभ पंत की। किसके अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत के। ठीक, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक, इसमें काकोरी जाने वाली एक ट्रेन को लूट लिया जाता है और इनमें 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो पढ़ा है उनको आंसर देना है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको 4 जेलों में फांसी दी जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला हमारा चटगांव शस्त्रागार हमला। सबको पता है कि चटगांव शस्त्रागार हमले में क्या हुआ था? कौन इससे सम्मिलित था? सूर्य सेन सम्मिलित थे। कौन सम्मिलित थे? सूर्य सेन। मैंने बताया था इन्हें मास्टर दा कहा जाता था। और यह कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, चटगांव आर्मरी रेड। ठीक, तो पहला हो गया हमारा सूर्य सेन। काकोरी षड्यंत्र बात किए हैं राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हें कहाँ पे फांसी दिया गया था? जल्दी से कमेंट करिए। अभी मैंने आपको बताया कि इन्हें कहाँ फांसी दिया गया था।
गोरखपुर में। लाहौर षड्यंत्र की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन, जतिन दास संबंधित है। और गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। कहाँ किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और जबकि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह थे। कौन थे? सोहन सिंह। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। A3 होगा, ठीक, B4 होगा, C2 होगा और D1। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C2 और D1। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के कारण का आधार क्या था? सुमेलित करिए। जतिन दास याद आ गया, भूख हड़ताल, 64 दिन का भूख हड़ताल, ठीक। कल्पना दत्त, देखिए आपने अभी ऊपर पढ़ा है चटगांव आर्मरी रेड, यह उसी से संबंधित थी कल्पना दत्त, और इन्हें सजा दी गई थी आजीवन कारावास की, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चंद्रशेखर आजाद, तो यह मुठभेड़ के दौरान मारे गए, और भगत सिंह को कब फांसी दे दी गई थी, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी से, कल्पना दत्त को दिया गया था आजीवन कारावास। कल्पना दत्त से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है कि यह किससे संबंधित थी, चटगांव आर्मरी रेड से। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करिए। सीधी सी बात है, दो तीन शब्द की, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन के बारे में बताना है, ठीक। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन से हैं? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। कौन कौन से हैं? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अब बात करते हैं अभिनव भारत और अनुशीलन समिति की। देखिए ये अभिनव भारत जो है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, जहाँ पे अभिनव भारत से बहुत से क्वेश्चन है, पता है भूल गए होंगे। तो 1904 में मित्र मेला नाम के एक संगठन की स्थापना हुई, कहाँ पे? नासिक में, जिसकी स्थापना किसने किया था? VD सावरकर ने। और इसका उद्देश्य क्या था? गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में इस संगठन की स्थापना की गई थी। और 1904 में ही इसका नाम बदल करके, या एक गुप्त सभा में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत नाम रख दिया गया था इसकी। तो अगर क्वेश्चन आए कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुशीलन समिति की, अनुशीलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। किसने किया था? वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। वरिंद्र घोष कौन थे? अरविंद घोष के छोटे भाई थे। अरविंद घोष कौन? निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन जिन्होंने किया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून, ठीक। चलिए आते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त कौन कौन से संगठन थे? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं, चटगांव आर्मरी रेड, जल्दी से बताइए कौन संबंधित है चटगांव आर्मरी रेड से? पहले ही बताया ना, कल्पना दत्त, सूर्यसेन जिसे मास्टर दा कहा जाता था, और कल्पना दत्त। अभिनव भारत, VD सावरकर जस्ट अभी पढ़े हैं। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से संबंधित है चंद्रशेखर आजाद नहीं, अरविंदो घोष। कौन है? अरविंद घोष। और कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह कूका। अब आप लोग कहेंगे मैम पढ़ा दीजिए, तो आप लोग जाके मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कर लिया करिए, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जितने भी आंदोलन विद्रोह ये सब हुए हैं सब आपको पढ़ाया गया है, बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी जाती, लेकिन आप लोग जो डेली वीडियो मिलता है बस उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करिए, चैनल इतने दिन से चल रहा है तो बहुत से काम की चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, ठीक। तो फिलहाल इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक। फिर इसमें देखिए, आज के सूची वन सूची दो कुछ ज़्यादा है, संघ का नाम दिया है और उसके संस्थापक के बारे में पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। रिवोल्ट ग्रुप,
रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? सूर्य सेन। कौन है? सूर्य सेन। चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित कौन है? सूर्य सेन। उसके बाद है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 कानपुर में। ठीक, कब हुई थी? 1924 कानपुर में। और इससे कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल। B1 हो जाएगा। फिर होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बताया थे कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना किया था, तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। पंजाब नौजवान भारत सभा, इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। इसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? A5 जिसमें होगा, A5। तो हमारा सही आंसर क्या है? D। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, सबको पता है कि गठन किए थे। अगला हमारा भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा अभिनव भारत, वीडी सावरकर। अभिनव भारत का संबंध किससे था? जीडी सावरकर। मित्र मेला वही वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ये दोनों है, जीडी लिख दिया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इनका संबंध है एस सेन से। ठीक, दूसरा है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो SA सन्याल। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 210 में हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर D, अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SA सन्याल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची वन का सूची दो से मिलान करना है, कितना मिलान करना है आज? चलिए आइए शुरू करते हैं। अभिनव भारत समाज कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। याद हो जाता होगा आप लोगों को एकदम। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। कब? सैन फ्रांसिस्को 1913। लाला हरदयाल अध्यक्ष कौन थे इसके? सोहन सिंह। स्वराज पार्टी CR दास। ठीक, चितरंजन दास। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल लीग, होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। जहां पे भी इसका नाम आता होगा आप लोग सोचते होंगे, तुरंत ध्यान जाता होगा कहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट पे। तो इन्होंने भारत है किया तो था इन्होंने, मगर कहाँ पे किया था? भारत में। और लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन भी हुआ था। फिर बात करते हैं लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना भी किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक, अगला है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल 1913। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। ठीक, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अब तो बता दो, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। अगर आप लोग ध्यान से सुने क्वेश्चन आंसर, तो आने वाले क्वेश्चन की तो आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब बता देती हूँ पहले ही। चलिए बात करते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? बता दें, सोहन सिंह बाखड़ा ने। बताया ना, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखड़ा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी के पहले सभापति सोहन सिंह भाखड़ा। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गदर जो पत्र निकाला गया था ये क्या था? मतलब पूछा है आपसे कि मासिक पत्र था कि दैनिक पत्र था। ठीक, तो यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र जो था वो क्या था? साप्ताहिक पत्र था।
इसका प्रकाशन किन किन भाषाओं में हुआ था? उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, ठीक। और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में निकाला गया था, ठीक। कौन सी भाषा में? पख्तूनी। फिलहाल गदर पत्र क्या था? एक साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो पश्चिमी अमेरिका। क्या है? पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। गदर क्रांति को छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं, कामागाटा मारू नहीं, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। आपको पता है कि यह कब था? 1914 से लेकर 1918 तक क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। गदर क्या है? तो गदर है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रावधान कार्यालय ताशकंद में था, ठीक। ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि गदर क्या था? एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय वहां पे था, सैन फ्रांसिस्को में ना। ये तो गलत है। इसमें क्या सही होगा हमारा? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, लाला हरदयाल। ये गलत है, ठीक। चलिए बात करते हैं, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसके थे अफगानिस्तान में बनी थी यह सरकार, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। अब हम लोग बात करते हैं मैडम भीखा जी कामा, ठीक। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैडम भीखा जी कामा के बारे में। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थे। कौन से परिवार से? पारसी परिवार से संबंधित थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसके बारे में आपने पढ़ा, इंडिया हाउस की स्थापना और लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, या उन्हीं की सहयोगी थी, ठीक। मैडम भीखा जी कामा। तो 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था इन्होंने? हमारा क्वेश्चन कहा है कहाँ पे तिरंगा, तो स्टुटगार्ड में। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड। अब ये है कहाँ स्टुटगार्ड? पढ़ तो लिए स्टुटगार्ड, या है जर्मनी में। याद रखिएगा, इन्होंने पहला तिरंगा फहराया था कहाँ पे? जर्मनी में। इन्हें क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। इन्होंने जो तिरंगा फहराया था उसका कलर था लाल पीला हरा, ठीक। उसका कलर क्या था? लाल पीला हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? बता दिए पहले ही, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बोले ना, उसी की हिंदी है भारतीय क्रांति की माँ, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ठीक। इन्हीं को कहा जाता है भारतीय क्रांति की माँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? अब आप ही लोग पढ़ लो, सब तो आ रहा है। भीखा जी कामा। मैडम भीखा जी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। क्या है? निजी सचिव, ठीक। तो ये तो सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, यह भी सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पारसी परिवार से बिलोंग करती थी। अब ये बताइए आप लोग कि क्या 1907 में स्टुटगार्ड पेरिस में है? नहीं, जर्मनी में। इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि आगे कहीं क्वेश्चन आए तो आप लोग फंसे ना। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैडम भीखा जी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? अब इसके लिए तो आपको चारों के बारे में जानना होगा, तो चारों के बारे में जब हम लोग डिस्क्राइब करके पूरा पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल इन चारों में क्या बात समान थी उसको जान लेते हैं कि ये सभी क्या थे? प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना किया था? तो यह किया था राजा महेंद्र प्रताप। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था, ठीक। तो कौन थे?
रास बिहारी बोस ने किया था। अगला हमारा कामागाटा मारू घटना से संबंधित है। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। कौन संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कामागाटा मारू क्या था बताइए? कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ठीक, तो युग्म हमें दो 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 लोगों का दिया है, दो तीन लोगों का, और बताना है कि किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में सजा मिली थी। तो हमारा सही आंसर है मदनलाल डिंगरा और उधम सिंह। कौन है? मदनलाल डिंगरा और उधम सिंह को इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में एक को एक में मिला दिया गया था कब? देखते हैं भैया होम रूल लीग के बारे में। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कि होम रूल लीग था क्या। तो यह आयरलैंड का शब्द है। होम रूल लीग क्या है? आयरलैंड का एक शब्द है और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था आयरिश नेता रेडमांड ने। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक, जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था उस समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पे क्या किया था? भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक, तिलक की बात करें तो पहले, अच्छा क्वेश्चन आता है कि किसने पहले होम रूल लीग चलाया था? तो तिलक ने चलाया था। तिलक ने चलाया था अप्रैल 1916 में। दोनों ने चलाया था 1916 में ही, लेकिन तिलक ने अप्रैल में चलाया था और एनी बेसेंट ने चलाया था कब? सितंबर 1916 में। ठीक, तिलक, दोनों के जगह भी अलग अलग थे। एनी बेसेंट ने चलाया था मद्रास में और तिलक ने चलाया था पूना में, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष सचिव थे एनसी केलकर। तिलक ने जो होम रूल लीग चलाया था और जो एनी बेसेंट ने चलाया था, आपने सुना होगा जॉर्ज अरुंडेल के बारे में, तो एनी बेसेंट के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक, तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था क्वेश्चन ही भूल गए, कब मिला दिया गया था? तो 1918 में मिला दिया गया था। दोनों ने जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उसको मिला दिया गया था। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक, तो कांग्रेस में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहीं पर अपने होम रूल लीग का जो सार्थक राजनीतिक शक्ति है उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, कौन सा आंदोलन होगा? होम रूल लीग ही होगा। 1914 में तो शुरू हो गया था विश्व युद्ध, उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रचलित था कौन सा था? होम रूल लीग। ठीक, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में बता दो? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? याद रखिएगा, नहीं था पूछा है। ठीक, तो किसका नहीं था? टीएस ऑलकॉट का। किसका नहीं था? टीएस ऑलकॉट का। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? हे भगवान, कौन नहीं जुड़ा था? सियारदास। सियारदास नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इस वजह से आपको मतलब याद हो जाना चाहिए एकदम। ठीक, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही थी, किससे संबंध रही थी? गृह शासन आंदोलन। गृह शासन क्या है? होम रूल क्या है? इसको हिंदी में ले जाओगे तो गृह शासन ही होगा ना, यही है गृह शासन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग आंदोलन का क्या था? स्वशासन लक्ष्य था। ठीक, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सॉरी, क्या असत्य है? आइए पढ़ते हैं। पहले, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। इसको भी याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, यह भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही? नहीं। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का
प्रस्तावक था, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थी, कौन था, तो एनी बेसेंट थी। अगला है एनी बेसेंट होम रूल हुई आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। कूट है, सही और गलत कथन छाटना है, ठीक, तो हाँ सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ठीक, तो 1 और 3 हमारा सही है। कौन सा सही है, 1 और 3। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था, ठीक। महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक, तो उसके पहले कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थी जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा प्रभाव दिया था, तो कौन थे देखते हैं। 1898 में इटली अबिनिशिया युद्ध ने, सही है, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, सबने किया था, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है। आ गए महात्मा गांधी, गांधी इरा वीडियो पढ़ लीजिए, बहुत फायदा करेगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पढ़िए गांधी इरा, जो लोग पढ़े होंगे, जो अगला वीडियो बनेगा इस सीरीज़ का उनका रिवाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया और यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज, ठीक, क्योंकि गांधी इरा स्टार्ट हो गया है अब। तो बात करते हैं जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। अगला हमारा फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है, यह भी पढ़ाया गया उसमें, डरबन दक्षिण अफ्रीका। करमचंद गांधी दीवान थे, तो पोरबंदर बीकानेर होता है, राजकोट, उपयुक्त सभी राज्यों में करमचंद गांधी दीवान थे। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।